हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक टेबल टैग के मदद से हमें फॉर्म बनाना है। उस फॉर्म के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल, फीमेल, सिटी, स्टेट, इस तरह की चीजें आएंगी। तो ये एचटीएमएल में कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एचटीएमएल से स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो डॉक टाइप एचटीएमएल से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हेड पोर्शन आता है, फिर एंटर करते हैं तो यहाँ पर टाइटल पोर्शन आएगा। तो टाइटल में मैं एचटीएमएल फॉर्म कर देता हूँ। तो ये लिखा एचटीएमएल और फिर यहाँ लिखा फॉर्म, ठीक है। फिर इसको क्लोज करना है, यानी टाइटल क्लोज होगा क्योंकि ये कंटेनर टैग है, कंटेनर यानी क्लोज होने वाला टैग है। और फिर हेड को भी क्लोज कर देते हैं, कब, क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे बॉडी टैग ओपन होता है और ये बॉडी टैग ओपन किया हमने, इसको बंद किया इस तरीके से। और अब यहाँ पे लगाना है टेबल टैग, ठीक है। तो टेबल के अंदर हम बॉर्डर लगाते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर की साइज क्या रहेगी, तो 5 रखते हैं। फिर कलर क्या रहेगा बॉर्डर का, वो दे देते हैं। तो यहाँ पे रेड कलर दे देते हैं बॉर्डर का, ठीक है। तो ये हो गया रेड कलर। फिर यहाँ पे सेल स्पेसिंग आता है, तो फिलहाल तो यहाँ पे हम सेल पैडिंग देने वाले हैं। तो पहले सेल पैडिंग किया हमने, सेल पैडिंग इज इक्वल टू 20 कर दिया इस तरीके से। सेल स्पेसिंग नहीं देते और यहाँ पे अलाइन दे देते हैं। अलाइन इज इक्वल टू क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे। सेंटर यानी बीच में ये रहेगा, जो भी टेबल ये बनेगी वो बीच में जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम TH टैग को ओपन करते हैं और यहाँ कॉल स्पैन लगाते हैं। तो ये हो गया कॉल स्पैन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 2, क्योंकि हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं। तो ये 2 कर दिया और यहाँ पे लगा लेते हैं मार्क्यू टैग, ठीक है। तो ये लगा लिया मार्क्यू। और यहाँ पर मार्क्यू पर आप चाहे तो बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है BG कलर इज इक्वल टू, और जो भी कलर आप देना चाहते हो उस कलर का नाम यहाँ पर आएगा। तो जैसे मान लीजिए हम रेड कलर देना चाहते हैं, तो ये रेड हो गया। और अब यहाँ पर उस जो भी आप हेडर पे देना चाहते हो उसका नाम आएगा। तो यहां मैं दे देता हूं अपने इंस्टीट्यूट का नाम, मां शारदे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। तो ये हमने दे दिया। अब यहां पर मार्क्यू को क्लोज करने की जरूरत है, तो यहां पे मार्क्यू को क्लोज किया और फिर अब क्लोज करना है TH को, तो TH भी क्लोज हो गया हमारा, ठीक है। तो यानी एक तो कोडिंग हमने कर दिया। अब क्या करना है, यहां से हमें अब फिर यहां पे लेना है TR, ठीक है। और फिर यहां पे क्या लेंगे, TD लेंगे, TD, ठीक है, तभी तो हम आगे काम कर पाएंगे। तो ये हो गया TR और फिर TD ले लिया। TD लेने के बाद क्या करना है, TD लेने के बाद यहां पर हमें देना है फर्स्ट नेम, ठीक है। यहां पर टाइप करते हैं FIRST फर्स्ट और यहां पे नेम। तो यहां पे फर्स्ट नेम आएगा स्टूडेंट का, जो भी होगा या जिसका भी होगा, ये फर्स्ट नेम आएगा, ठीक है। तो ये कर दिया फर्स्ट नेम और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। लेकिन फर्स्ट नेम के जस्ट बाद वहां पे फर्स्ट नेम फिल करने का ऑप्शन भी आना चाहिए। तो यहाँ पे लगा लेते हैं इनपुट टाइप टैग। इनपुट टाइप भी क्या होता है, एम्प्टी ही होता है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दिया, ठीक है। और टेक्स्ट करके इसे क्लोज करेंगे और ये जो TD ओपन हुआ था फिर इसे क्लोज कर देंगे इस तरीके से। ये TD क्लोज होगा बल्कि TR नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और नीचे आएंगे तो फिर TR हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब एंटर करके नीचे आते हैं। ये पहला स्टेप हमारा पूरा हुआ। दूसरे स्टेप के लिए हम इसी को उठाते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी और पेस्ट करना है। यहाँ से उठाया, कॉपी किया और नीचे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ये हो गया पेस्ट। तो कॉपी और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अब लास्ट नेम आएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं लास्ट, यहाँ पे सिर्फ LAST करना है, बाकी सारी चीजें तो ऐसे ही रहेंगी। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, फिर कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। अब यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आएगा आपका सिटी, ठीक है। तो CITY सिटी कर दिया। लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, इनपुट टाइप टैग हमने लगाया है, लेकिन क्या यहाँ पर इनपुट टाइप टैग लगाने की जरूरत है, क्योंकि सिटी आएगा तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, किस तरीके से दिखेगा, तो यहाँ पे ऑप्शंस नजर आएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, सेलेक्ट टैग का यूज करता हूँ, SELECT सेलेक्ट हो गया। और यहाँ पर सिटी नहीं बल्कि स्टेट करेंगे, यहाँ पे स्टेट कर देते हैं हम। पहले तो स्टेट रहेगा तब तो सिटी आएगा, तो ये कर दिया STAT स्टेट। और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, किसको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन लगाएंगे, OPTI ओजन ऑप्शन। तो पहले कर देते हैं स्टेट में UP, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन को क्लोज करेंगे इस तरीके से, ये ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। और फिर एंटर करेंगे, नीचे आएंगे और इसी ऑप्शन को उठाते हैं हम, क्योंकि अब तो बार बार इसी को लेना है, ठीक है। तो जितने सिटीज का नाम देना है इसी ऑप्शन के अंतर्गत हमें देना है। तो ये हमने कर दिया यूपी के बाद। अब यहाँ पे कर देते हैं MP हो गया। और MP के बाद एंटर करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे कर देंगे बिहार, BIHAR, ये हो गया बिहार। और यहाँ पे एंटर करते हैं फिर, और फिर यहाँ पे लिखते हैं अगला नाम बिहार के बाद। यहाँ पे आ गया राजस्थान, राजस्थान हो गया, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं फिर Ctrl-V और यहाँ पे कर देते हैं मुंबई, ठीक है। तो ये मुंबई कर देंगे यहाँ पे MUMBAI, ठीक है।
ये हो गया मुंबई इस तरीके से। तो कुछ नाम हमने यहाँ पे एंटर करवा लिए हैं और यहाँ पर अब एंटर करके नीचे आने की जरूरत है और यहाँ पर एक काम और करना है, यहाँ पे सेलेक्ट टैग को क्लोज करना होगा। तो एस ई एल ई सी टी सेलेक्ट को क्लोज किया, फिर यहाँ पे टी डी को भी क्लोज करना होगा क्योंकि टी डी हमने ले रखा था ऊपर, देखिए ठीक है। तो टी डी यहाँ ले रखा है तो टी डी को भी क्लोज करेंगे, देन टी आर, टी आर तो क्लोज हो ही गया हमारा। एक काम करते हैं, नीचे हम पहले जो भी टैग्स ओपन हो रहे हैं उनको क्लोज कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो टैग ओपन है, यानी कि इसके पहले आप देख सकते हैं टेबल टैग ओपन है, तो यहाँ पर टेबल को क्लोज करेंगे, और टेबल के बाद क्या ओपन है, बॉडी ओपन है तो बॉडी को क्लोज करेंगे, और बॉडी के बाद क्या ओपन है, बॉडी के बाद एचटीएमएल ओपन है तो एचटीएमएल को भी कर देंगे क्लोज, और इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ फॉर्म एफ ओ आर एम डॉट एस टी एम एल, एस टी एम एल के नाम से भी सेव कर सकते हैं और एस टी एम के नाम से भी सेव कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे ओके कीजिए, यानी सेव कीजिए, और फिर आइए यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ फॉर्म नाम से आ गया है, और जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का एक फॉर्म दिखाई पड़ता है। लेकिन ये देखिए इसमें टेबल बनी हुई नजर नहीं आ रही है, तो आपको एक काम करना है, क्या करना है समझिए, देखिए यहाँ पर जाना है, ये आपकी कोड विंडो जो है नोटपैड वाली, यहाँ पर आना है, और ये जो टेबल लगाया है ना यहाँ पर टीएच के जस्ट ऊपर जो लगाया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो टेबल टैग हमने लगाया है, ये इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे टेबल टैग पूरा लगाया हुआ है। तो यहाँ पे बॉर्डर की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो बी ओ आर डी ई आर होती है बॉर्डर की स्पेलिंग। अब यहाँ पर इसको बंद करेंगे इस तरीके से, और अब एक बार और इसको रन करा के देखेंगे, तो ये फॉर्म है हमारा। अब देखिए ये एकदम परफेक्टली बन गया है और कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, तो यहाँ पर अब आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप नीचे आ जाते हैं हम और यहाँ पर और भी चीजें कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमें टी आर लेना है और एक एंटर करना है, फिर यहाँ पर टी डी लेना है, और टी डी लेकर के यहाँ पर करेंगे हम जेंडर, जी ई एन डी ई आर, जेंडर हो गया, और जेंडर लेने के बाद यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे टी डी को, और फिर नीचे आएंगे तो टी आर टी डी ले लेंगे, और टी डी लेने के बाद फिर यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पे देंगे इनपुट टाइप, तो ये दे दिया इनपुट टाइप, और यहाँ पे क्या देना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, आर ए डी आई ओ, रेडियो हो गया, और डबल डॉट कॉमा को क्लोज करिए, और इस तरीके से क्लोज कर देना आपको, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो करके इसको क्लोज करिएगा, और क्लोज करके क्या करना है आपको, क्लोज करके और यहाँ पर अभी क्या करना है, बटन इज इक्वल टू यहाँ पे बी यू डबल टी ओ एन, बटन इज इक्वल टू रेडियो आर ए डी आई ओ, तो ये हो गया बटन इज इक्वल टू रेडियो, वैल्यू वैल्यू कर देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे मेल कर देंगे एम ए एल ई मेल, और डबल डॉट कॉमा को क्लोज करके यहाँ पे मेल रखेंगे, और फिर इसी को हमें रिपीट करना है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं बी आर टेक बी आर इस तरीके से, और अब इसको उठाएंगे ये पूरा, और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, देन नीचे पेस्ट करेंगे, और मेल की जगह बस फीमेल रख देंगे, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल के लिए हमने रेडियो बटन भी क्रिएट कर लिया है, आप देख सकते हैं ये कितना आसान है, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये हो गया, अब यहाँ से जाकर के इसे सेव कर लीजिए, तो वापस से इसे सेव करते हैं उसी जगह पर, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ मेल और फीमेल वाला बटन भी क्रिएटेड है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आपको हो सकती है कि मेल और जब भी रेडियो बटन बनाएंगे ना तो ये दोनों पे टिक नहीं होगा, लेकिन यहाँ देखिए दोनों पे टिक हो जा रहा है, तो दोनों पे टिक ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं सही हो गया है। तो यहाँ पर खाली आपको नेम कर देना है, यहाँ पे कोडिंग में ना जहाँ पे हमने लिखा था ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से लिखा गया था, यहाँ पे बटन लिखा गया था, तो बटन की जगह आपको क्या करना है, नेम कर देना है, बस इतना ही करना है, बाकी तो इसे सेव कर लीजिएगा, और सेव करने के बाद जब आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा, तो ये दोनों ही पे अब क्लिक हो सकेगा। तो देखिए ये फॉर्म जैसा पूरा आपको नजर आने लगा होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ओके। और आगे की वीडियोस अगर आपको इसमें की चाहिए तो और आगे की वीडियोस भी मैं दे दूंगा, ओके। चलिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।